हाय नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। तो आज का जो मेरा रिएक्शन वीडियो है वो है एक नात के ऊपर जो है हाल ए दिल किसको सुनाऊं आपके होते हुए रिसाइटेड बाय अ यंग मैन एंड अ चाइल्ड। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाया किए और फिर हम लोगों को पता चलेगा कि ये नात इतना फेवरेट क्यों है कि इसके ऊपर मुझे काफी सारी रिक्वेस्ट आई हुई हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाँ किसी के दर पे जाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है, ये मेरी पहचान है। हम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके हो। मेरा जीना मेरा मरना अब इसी चौखट पे है, मेरा जीना मेरा मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल के से कहे, कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल किसे कहें, जख्म दिल किसको दिखाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए, मतलब जब आप हैं हमें सब कुछ आपसे मिल जाएगा जो हमें चाहिए, बस हमें आपके सामने फरमाइश करने की ज़रूरत है, आपके सामने हमें सजदा करने की ज़रूरत है और यू आर ऑलवेज देयर टू गिव एवरीथिंग टू अस। तो आपके होते हुए क्यों हम किसी और के पास जाएं, क्यों किसी और दर पे हम अपना सर झुकाएं। और इसमें इन्होंने एक लफ्ज़ बोला था अल्ताफ, मेरा कौन अल्ताफ है। तो अल्ताफ मेरे ख्याल से नाम होता है, बिकॉज मैंने नाम सुना है लोगों का अल्ताफ। तो अल्ताफ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है नो आइडिया। तो अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट ताकि मुझे पता चले अल्ताफ का क्या मीनिंग है। बट बहुत ही अच्छे लिरिक्स हैं और बहुत अच्छे से गाया गया है, और मेन बात है कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक नहीं था इसमें, उनकी खुद की आवाज़ में इतनी छनछनाहट, इतना म्यूजिक था कि उन्हें किसी आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत ही नहीं थी। अदरवाइज होता है ना कि कोई भी जब हम कुछ गाते हैं
कुछ पढ़ते हैं और अगर वो अच्छे से हम लोग सोचते हैं कि पढ़ा जाए तो क्या होता है, उसमें जितने ज़्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं तो म्यूजिक उतना ही ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो इसमें उनकी खुद की आवाज़ इतनी मीठी है, इतने अच्छे से उन्होंने गाया है कि दे यू नो विदाउट हैविंग एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उन्होंने इतने अच्छे से गाया, और माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो ठीक है जी, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय।